फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। ये वीडियो नाइन्थ क्लास के लिए होगा और इसमें हम लोग आज फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। इससे पहले के वीडियोस में आपको फैक्टराइजेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और काफ़ी सारे फॉर्मूलाज बताए गए थे, तो उन सभी वीडियोज़ को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिलते हैं तो उसको सॉल्व कीजिए। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है अलजेब्रा में। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। चलिए आज के वीडियो का स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने बोर्ड पे हमने 3 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है, देखने में थोड़ा लगता है कि हाँ ये बनेगा कैसे, लेकिन ये काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू वन देन ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू वन। अगर ए बाई बी और बी बाई ए दोनों को जोड़ देने के बाद रिजल्ट अगर आपको 1 मिलता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या हो। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बी एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड जब करेंगे ए बी में बी से तो रिमाइंडर कोशेंट हमारे पास क्या बचेगा, ए बचेगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए में बचेगा बी यहाँ पे, तो फिर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। अब ए प्लस बी का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, ना हम लोगों ने ए प्लस बी का वैल्यू निकाला है, ना कहीं क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी का वैल्यू, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको पहले उसको बाद में। फिर यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आया था ए बी, यानी यहाँ पे ए बी और माइनस क्या है ए बी, ए बी ए बी कट के क्या हो गया जीरो। दिस मीन्स ए प्लस बी इंटू जीरो इक्वल टू क्या मिला जीरो, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा इस केस में जीरो हो जाए। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग था ये, तो इसको आप लोग अच्छे समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे दिया गया, वैल्यू को पुट करके लाना, ये तो काफ़ी ईजी है। एक्स का वैल्यू 12 है, वाई का वैल्यू 4 है, तो आपसे पूछ रहे एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स बाई वाई। तो एक्स का वैल्यू एक्स प्लस वाई का पावर हमें निकालना है एक्स बाई वाई इक्वल टू, एक्स का वैल्यू रखिए यानी 12 प्लस वाई का वैल्यू 4, 12 प्लस 4 और इसका पावर हो गया यहाँ पे 12 बाई 4। तो 4 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में, यानी 16 का क्यूब यानी 16 का क्यूब जो होगा आपका 4096 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4096, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यू इक्वल टू 1। अब इस टाइप का तो हम लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब पूछ रहा है यहाँ पे, इसको तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ यहाँ पे हम लोग ट्रिक लगाते हैं, और ट्रिक क्या होगा वो, तो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो एक्स का कोई ऐसा वैल्यू रखिए, कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए जिससे कंडीशन जो हो सेटिस्फाई हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, करते हैं पुट एक्स इक्वल टू 1 देन क्या मिलेगा हमें 1 प्लस 1 बाई 1, एक्स के जगह पे आप क्या रख देंगे 1, तो 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 2, आर एच एस में क्या आया था 2 आया था। दिस मीन्स यहाँ पे एक्स का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई, लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से लिख रहे हैं कंडीशन सेटिस्फाई। दिस मीन्स क्या, एक्स का वैल्यू 1 रख के आपको सॉल्व करना है। अब पूछ कह रहा है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 का क्यूब यानी 1 प्लस
वन बाई वन मतलब टू। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हुआ? टू हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, किसी को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, किसी को अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मतलब हाई ऑर्डर पे लेके जाएंगे, और किसी को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी बातें इस वीडियोज में बताए गए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उसको अच्छे से कवर अप कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो क्वेश्चंस आपके हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कीजिए और रियलाइज़ कीजिए कि आप अगर इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं तो आप कहाँ तक पहुँच पाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।